मुरादाबाद प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन के तत्वावधान में सिक्योरिटी एजेंसियों के स्वामियों ने संयुक्त रूप से बैठक एमडीए कॉलोनी में की। कैप्सी के अध्यक्ष एनपी सिंह के साथ सभी सिक्योरिटी स्वामियों ने चर्चा की कि अवैध रूप से चल रही प्राइवेट सिक्योरिटी के खिलाफ प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिसको लेकर पहले भी मीटिंग करके जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, जिस पर प्रशासन अवैध रूप से चल रही सिक्योरिटी एजेंसियों को चिन्हित भी कर रहा है। बैठक में मुख्य रूप से पंडित करणवीर शर्मा, प्रमोद कुमार, कुलदीप बिश्नोई, नेपाल सिंह चौहान, अखिलेश अग्रवाल उपरोक्त पदाधिकारियों के साथ कैप्सी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एनपी सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। सावधानी बहुत जरूरी है और मैं सभी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुरादाबाद शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आप सभी मिलकर काम करें और पसारा में अपने रजिस्ट्रेशन को जरूर करवाएं। वही एजेंसी यहां पर वेरिफिकेशन के साथ काम कर सकती है जो पसारा में रजिस्टर्ड है, तो उन्हीं के साथ मिलकर काम करें और बहुत मुस्तैदी के साथ। आजकल सर्दियों के टाइम में तो आप समझते हैं कि चोरियां बढ़ जाती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम शहर की सुरक्षा को मजबूती के साथ करें और चोरियों को ना होने दें। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कोई विशेष नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको सब लोग सपोर्ट करें और ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज को काम दें जो कि पसारा के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर्ड करवाएं अपने आप को, अन्यथा काम ना करें। काम उन्हीं को करना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका वेरिफिकेशन भी नहीं है और उनको कल आप ढूंढेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रजिस्टर्ड एजेंसीज के साथ ही आप अपना संपर्क रखें। सर, किसी अधिकारी से आपने वार्तालाप करी इस मसले में? बिल्कुल, हमारी बात होती रहती है। कप्तान साहब से भी बात होती है, डीआईजी साहब से भी बात होती है। क्या आश्वासन मिलता आपको? नहीं, तो उनका आश्वासन बिल्कुल ठीक मिलता है। वो हमेशा सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। क्षेत्र की सुरक्षा उनकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। श्री, पसारा लाइसेंस कहाँ से होता है ये और उसमें लेना, ताकि उसमें पता नहीं खाली पसारा पसारा। मुद्दे पर बैठक ये चल रही है कि अनऑथराइज सिक्योरिटी जो चल रही है आईएसएल में, ये बंद होनी चाहिए। और कई बार प्रशासन से मुलाकात भी हुई है, एसपी आर्य साहब से भी और एसएसपी साहब से भी मीटिंग हो गई दो बार, लेकिन अभी तक कोई कानून कार्रवाई इनके किसी के खिलाफ तो हुई नहीं। तो अगर क्या प्रस्ताव देगा आपका? तो यह है कि पुलिस से यही कहना है प्रशासन से कि भाई जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है इन्हें बंद कराएं, ये अपने रजिस्ट्रेशन कराएं।